बना रही हूँ एक विशेष प्रकार का चूरन। और ये चूरन इसलिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें ऐसी सामग्रियां हैं जो कि जो लोग कब्ज के शिकार होते हैं या जिनको गैस की समस्या होती है, अगर वो खा लें तो उन्हें बहुत फायदा मिलता है और पेट साफ हो जाता है। तो इसमें बस हम तीन चीजों को डालते हैं। ये देखिए, हर्रे या हरड़ जिसको बोलते हैं, ये मैंने 15 से 20 जो है दाने ले रखे हैं। ये है अजवाइन और ये मैंने काला नमक लिया है जो कि पीस लिया है। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल सी विधि है। गैस ऑन करके तवा मैंने जो है चढ़ाया है और इसके मैं ये हर्रे डाल दे रही हूँ। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा भूजेंगे। आप चाहें तो इसको जैसे आग में भी भूज सकते हैं और मैं तो अभी तवे पे इसको भूज ले रही हूँ। ये अच्छे से जब भूज जाएगा तो इसके बाद मैं अजवाइन को भूज लूंगी और भूजने के बाद हम इसको सिलबट्टे में पीस करके रख लेंगे। आप चाहे तो उसको कूट के भी पीस सकते हैं, पतले पतले कूट कूट लेंगे तो और ही छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा। और जब जैसे पेट नहीं साफ होता है जिन्हों का या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो आप मॉर्निंग में जो है इसको आधा से एक चम्मच जो है सवेरे जो है खाली पेट जो है खा लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए तो उसके बाद जो है पेट साफ हो जाता है और बहुत आराम मिलता है। गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं जो हैं जिन लोगों को हैं वो नहीं होती हैं। तो ये बहुत पहले नानी और दादी देखे बनाया करती थी ये हर्रे का जो है चूरन, तो वही मैं इसको आज जो है बना रही हूँ। इसको भूज लेते हैं अच्छे से, जैसे कि ये पिसने में हमारे आसानी हो जाए। सिलबट्टा रखा है ना यहाँ पे, तो इसको मैं हाथ से ही पीसूंगी। देखिए आराम से पक रहा है ना। अभी मैं इसको थोड़ा और भून लेती हूँ। देखो कितना जो है इसको मैं और भून ले रही हूँ। ये लगभग भूज गया ऑलमोस्ट, गैस बंद कर देती हूँ, उसी में मैं अजवाइन भूजूंगी। इसी पे मैं अजवाइन डाल दे रही हूँ। अजवाइन तो बहुत जल्दी पिस जाएगी। कितनी जल्दी पिस जा वो भूज जाएगी, तो बहुत नाजुक है ना। आप इसको थोड़ा बनाइए या अधिक बना लीजिए, बना के रख लीजिए और आराम से जो है ये खराब नहीं होता, कई दिनों तक चल जाता है। इसे अजवाइन ऑलमोस्ट भूज गई, जलाना नहीं है बस थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है। अजवाइन भी भुज गई मेरी, इसको देख लीजिए। जो बहुत अच्छे से भुज गई हूँ, फटाफट जो है से
इतना मैं पीस लेती हूँ, उसको भी आराम से जो है मिला के करती हूँ। देखिए अजवाइन डाल दे रहे हैं, सिलबट्टे पे बहुत आराम से पीस जाना है। महीन पाउडर जैसा हो गया ये। अब इसको हम देखिए, हमने इस प्लेट में निकाला, और इसी में हम अपना काला नमक जो है मिला लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये हर्रे का देखिए चूरन बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको रोज सुबह आप, जिन लोगों को समस्या है कॉन्स्टिपेशन की या गैस की, वो सुबह जो है आधा से एक चम्मच ले लें और उसके बाद गुनगुना पानी पी लें। अब देखिए इस डब्बे में हम इसको रख ले रहे हैं। इसको आप ज़्यादा बनाइए चाहे कम बनाइए, टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। ये आपका चूरन तैयार है।